नमस्कार दोस्तों, MCG एकेडमी ग्वालियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, RP आपके ट्रेड टेस्ट चल रहे हैं। लगातार अपडेटेड वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ। इससे पहला वाला वीडियो जो कंपैरिजन वीडियो था, जो कि एक महीने पहले किस प्रकार से हो रहा था और आज किस प्रकार से हो रहा है, उस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि उससे आपको बहुत कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। अब मैं बात करता हूँ, ये हमारा 37 नंबर का वीडियो। इससे पहले मैं जो है 36 पार्ट RPF एंसिलरी के अपलोड कर चुका हूँ, तो आप सभी को जो है उस सारे के सारे चैनल पर विजिट करके देख लेना है। साथ ही साथ बच्चे एग्जाम सेंटर से बाहर आ गए हैं, तो सीधा एग्जाम सेंटर से बाहर आने के बाद हमें रिपोर्ट किया है, तो उनका पूरा ध्यान से सुनिएगा। आज है आप लोगों का 20 अगस्त, तो 20 अगस्त में क्या क्या करवाया गया, हर दिन चीज़ें बढ़ती जा रही हैं और अपडेट होती जा रही हैं। इसके लिए आप लोगों को चैनल के जुड़े रहना है, प्रत्येक वीडियो को वॉच करना है, आप लोगों को पता लग सके क्या हो रहा है, क्या क्या करवाया जा रहा है। और साथ ही साथ मैं आपको सूचित करना चाहूँगा, नीचे जो RPF ट्रेड नाम से हमने चैनल बना रखा है, उसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे से जो कोई भी अपडेट होगा RPF का उसी चैनल पर आपको उपलब्ध होगा। ओके, इन वीडियो को जो है ध्यान से वॉच कीजिएगा, ध्यान से इन भाई को सुनिएगा। हाँ सर, नमस्कार सर, मैं MCG एकेडमी ग्वालियर से बोल रहा हूँ सर। नमस्कार सर। सर, आज आपका जो ट्रेड टेस्ट था सर, हाँ सर, किस डेट में? सर डेट बोलिए, किस डेट में था आज? आज ही था सर, 20 को। हाँ, 20 अगस्त को, मतलब आज ही था ना। हाँ सर, अभी पूरा स्वीपर का ही चल रहा है, मतलब स्वीपर का ही चल रहा है सर, बताइए सर किस प्रकार से क्या करते सर, अठारह से स्टार्ट हुआ है, 22 तक चलेगा स्वीपर का ही। बताइए सर किस प्रकार से क्या क्या करवा रहे हैं सर वो आप लोग। और सर मतलब कुछ कुछ का मिस्टेक हो गया, जैसे कई दो तीन लड़के वाटर कैरियर से भी आ गए थे, तो सर लोग बोल रहे थे कि उनका डेट में मिस्टेक हो गया है एडमिट कार्ड में, तभी आ गए हैं वो लोग बोल रहे थे। हाँ सर मैं जो है आपसे बोलना चाहूँगा, जैसे आज जो आपका था, सर, तो सर आपके लिए आप मेरा जो है वीडियो देख करके गए थे सर, हाँ सर गया था, सर उससे कुछ हेल्प मिला? मिला सर, बट उन्होंने मुझे कुछ पूछा ही नहीं, कुछ भी नहीं पूछा, बस झाड़ू लगवाए। पूरा 10 स्टूडेंट थे हम लोग के, मतलब 20-20 का ग्रुप था। रुको सर, आप शुरुआत से बताओ सर किस प्रकार से क्या क्या हुआ सर, क्योंकि ये शिकायत बहुत ज़्यादा आ रही है, सभी बच्चों के मुख से सुन रहा हूँ मैं, कि मतलब कुछ पूछा ही नहीं, कैसे हो सकता है? यदि क्या घपलाबाजी चल रही है तो कुछ करें क्या? लोग सुबह 4 बजे लाइन में लग गए थे सर, हाँ सर, और हम लोग का मतलब 20-20 के ग्रुप में बांट दिए, तो हम लोग का 14 नंबर का ग्रुप था। सर आपको मतलब 4 बजे लगे थे, कितने बजे अंदर लिया सर? हम लोग का हाँ, साढ़े पांच, मतलब वही 5:45 बजे के आसपास। आज कोई पानी वानी नहीं था ना मतलब? नहीं, पानी वानी तो नहीं गिरा हाँ सर, सर अभी अभी सर आप सेंटर से बाहर ही निकले हो सर, जस्ट अभी। कितने अभी, मैं ट्रेन में हूँ सर। बच्चे आ गए सर वहां से बाहर? मतलब हम लोग के ग्रुप में ना 20 में दो ही लड़का क्वालिफाई हुए सर। तो आप बताइए सर किस प्रकार से क्या क्या हुआ है सर, बताइएगा, शुरुआत से बीस बताइए सर। हाँ बीस का ग्रुप बनाए थे, और रूम में खाली 10-10 को ले जा रहे थे सर। करवाया मतलब 10-10 को पहले तो सर आपका बायोमेट्रिक नहीं करवाया क्या आज? ना सर, बायोमेट्रिक हुआ वही तो सब कह रहा कुछ। हूँ सर, एक एक चीज क्लियर बताइए सर, बच्चों को आपको पता नहीं सर क्या क्या हर चीज पूछते हैं वो लोग, आपको भी पता है, आपका कल तक नहीं हुआ था तो आप भी सब कुछ पूछते थे ना हमसे, हाँ तो इसीलिए सभी लोग सब कुछ पूछना चाहते हैं। आप तो बताइए, एक एक चीज क्लियर कीजिए सर आप तो। सर, मैं इधर नागपुर तरफ से आया, फिर निजामुद्दीन में उतर गया सर, फिर यहाँ से लोकल ट्रेन ले लिया, यहाँ से सराई रोहिल्ला के लिए, और वहां से फिर गए, फिर सेंटर पहुंचे तो, और इधर ना रेलवे स्टेशन सराई रोहिल्ला के बगल में ऑफ साइड है, ऑफ साइड क्या है, लॉज भी है, हाँ 250 में मिल जाता है, 250 में 1 नाइट का। हाँ और जब वहां गए तो एंट्री हुआ, आधार कार्ड देख रहे थे, और एडमिट कार्ड जो कॉल लेटर आया है उसको, फिर हाँ 20-20 का बैच में बांट दिए सर। 20-20 बच्चों का बैच बना दिए मतलब? हाँ सर, और बहुत बैठाते हैं, 1 घंटा यहाँ बैठाएंगे, 1 घंटा फिर ग्राउंड में, फिर 1 घंटा फिर उधर, इधर ऐसा? उधर बहुत बैठाते हैं, बस बैठाने में ज्यादा टाइम लगता है सर। हाँ सर, और जब 20-20 का ग्रुप बनाए, तो हाँ 10-10 को
मतलब रूम अंदर ले गए, तो हाँ हम लोग के रूम में, हम लोग के मतलब ग्रुप में 10 थे ना, तो हाँ सभी को झाड़ू मरवाया। पांच 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 जने थे, पांच जने पहले मारो झाड़ू, उसके बाद पांच जने बाद में, ऐसे दिए सर। और कोई टाइम नहीं दिया सर, एक ही मिनट में बस झाड़ू थोड़ा लगाए, उसके बाद देखे और एक दो जने से पूछा सर, क्या पूछा सर? मतलब एक जने सर वो पहले सर आप लड़का सर, अंदर, सर अंदर घुसे तो क्या क्या सामान था सर? एक एक चीज क्लियर बताइए। और कैसे कहूँ आपसे सर, बच्चों को आपको बताया कि एक एक चीज क्लियर बतानी पड़ती है। मैं आपसे पूछूँ क्या क्या सामान था ये बताइए सर। जब हम लोग घुसे ना हाँ तो कुछ नहीं करवाया सर, 1 मिनट में पूरा डिसाइड कर दिए सर। एक लड़का था, उसको पूछे क्या बोलते, चिन्ना चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ है करके, मुंबई हाँ में कौन सा स्टेडियम है सर, उसी को पूछे और वहाँ क्या होता है बोले, तो वो हाँ बोला क्रिकेट होता है बोला। फिर हाँ बस उसका नाम वाम पूछा और हाँ वही बंदा सेलेक्ट हो गया सर। और एक जने और हुआ था, पता नहीं कहाँ का है। हाँ और दूसरा बैच में तो मतलब अदर बैच में आपी फिनाइल ये सब पूछ रहे थे सर, लेकिन हम लोग के बैच में 1 ही मिनट में पूरा झाड़ू लगवाया और कौन कौन सेलेक्ट हो गए उसको बाद में बताया सर। 2-3 घंटा बाद में रिजल्ट आया हाँ सर। मतलब जैसे फर्स्ट बेस में 20 लड़के थे ना, हाँ उसमें से 4 लड़कों को सेलेक्ट किया सर, बीस और में से। से हाँ 20 में 4 लड़कों को सेलेक्ट किया। सेकेंड में दो, मतलब सेकेंड 20 20 20 जने थे, उसमें 2 लड़कों का सेलेक्ट किया। थर्ड में भी दो, और फोर्थ में 3 लड़कों का सेलेक्ट किया सर। सिक्स में एक भी नहीं किया सर, सिक्स क्यों? पता नहीं सर, कुछ समझ में नहीं आया। सिक्स में तो सबको सब बाहर कर दिए, 6 नंबर में थे ना जितने 20 जने स्टूडेंट, हाँ उसको सब बाहर कर दिया सर। और कुछ पूछे भी नहीं सर हम लोग से था। मीन्स कुछ घपलेबाजी हो रही है क्या? मैं तो आपसे ऐसी ये जानना चाह रहा हूँ कि कल एक बंदे ने पूरी भड़ास निकाली मेरे चैनल पर, तो मैं उससे पूछना चाह आपसे पूछना चाह रहा हूँ कुछ ऐसा है क्या? सर उतना तो नहीं लगा, लेकिन थोड़ा डाउट गया, कहे कि हम उससे कुछ पूछा भी नहीं सर, और बस झाड़ू लगवाया और देखा जो जो बंदे हैं, मतलब 2 जाने को सेलेक्ट कर लिया। पहला हाँ बंदा तो इधर का नहीं है लग रहा था, बाहर का लग रहा था, इधर मतलब राजस्थान तरफ का, हाँ बाहर से वैसे लग रहा था, नहीं बोल सकता कहाँ का है। और एक हाँ जाने और पता नहीं कहाँ का था। हाँ और अदर बेच में सब कुछ पूछ रहे थे सर, फिनाइल के बारे में, जो जो नेफ्थलीन बॉल है गोली ना, उसके हाँ बारे में पूछ रहे थे, व्हाइट जी, नेफ्थलीन की गोली कैसी होती है सर दिखने में? व्हाइट जो था ना सर, हाँ जो सर अपन टॉयलेट में डालते हैं। हाँ हाँ वही वाला, यूरिन बॉल में ऐसे डालते हैं नहीं। सर, जो आपका ग्रुप कौन सा है सर? आपका कौन से ग्रुप से हो सर आप? एफ ग्रुप से सर, एफ ग्रुप के अभी टेट टेस्ट चल रहा है ना? हाँ सर। और अभी ऑल टोटल स्वीपर का चल रहा है सर, 22 तक चलेगा बोल रहे थे, स्वीपर ही का। ऐसा हाँ और बीच बीच में मिस्टेक हो गया किसी के डेट में, तो वाटर करियर वाले भी आ जा रहे हैं। हाँ ये भी सही है। हाँ सर, जो है कि आपको सब कुछ मतलब देख करके जाना है। हाँ सर, सब कुछ मतलब अच्छा से पढ़ लेंगे, हाँ और उन लोगों के ऊपर है सर, उन लोगों के ऊपर डिपेंड करता है किसको सेलेक्ट करना है किसको नहीं करना है। कहा कि कई बंदे तो इतना पढ़ पढ़ के गए हैं, पूरा 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 सब कुछ पढ़ लिए हैं, हाँ फिर भी नहीं हुआ सर उनका। कई लोग तो पूरा एक्सपीरियंस वाले बंदे थे, लेकिन नहीं हुआ। ऐसा हाँ सर, चलो अपन ऐसा कुछ कह भी नहीं सकते इनके बारे में, लेकिन फिर भी आप बताइए मतलब किस प्रकार से क्या हुआ आज? आप ही का जो है, आप सीधे एग्जाम सेंटर से मैं बात कर रहे हो सर, हाँ सर, हाँ आप ही हो सीधे एग्जाम सेंटर से मैं बात कर रहे हो? सर, वही मतलब तो। अभी मैं बाहर आ गया हूँ सर, ट्रेन पकड़ लिया हूँ वहां से, सराई रोहिल्ला से ट्रेन पकड़ लिया हूँ। था और आपके साथ कोई नहीं था सर? सर एक जने तेलंगाना का लड़का था, और इधर यूपी वाले 2-3 लड़के थे, लेकिन ये कोई नहीं हुए सर सेलेक्ट। कहाँ हैं वो लोग? आपके साथ ही हैं क्या? नहीं है सर, वो लोग नहीं है, वो लोग सब अलग अलग चले गए ना।
सब लोग बाहर हुए, सब अलग अलग चले गए क्यों? हाँ और सर जो है आप अपने एक्सपीरियंस में कुछ स्पेशल देखा? ये सब कुछ तो हर दिन मैं जो है वीडियो में लेकर के आता हूँ, कुछ स्पेशल? सर, जैसे झाड़ू वाड़ू लगवा रहे हैं ना सर, हाँ तो थोड़ा देख लें कि पंखा चल रहा है कि नहीं। पंखा चल रहा है तो उसको बंद करवा लें, उसके बाद झाड़ू लगाएं ऐसा। जैसे मतलब जो माइनर मिस्टेक हो वो ना हो। हाँ, जैसे हम लोग का क्या हुआ, थोड़ा पंखा चल रहा था और उधरी उधरी को झाड़ू लगाने के लिए बोले तो कोई हाँ नहीं बोला कि मतलब बंद करें पंखा, कैसा कुछ ऐसा करके नहीं। हाँ झाड़ू झाड़ू लगाने से पहले उसको बंद करना पड़ता है, तो हाँ कोई कोई तो कुछ नहीं बोले, लेकिन हम लोग उसी में काटे होंगे लग रहा था। और जो बंदा सेलेक्ट हुआ उसका तो बस वही नाम पूछा था और वही जो स्टेडियम है उसके बारे में पूछा। हाँ? स्टेडियम में नहीं, एक तो क्या बोलते हैं मुंबई में एक तो स्टेडियम है वानखेड़े या क्या है कुछ, उसी के बारे में पूछा हाँ और उसको सेलेक्ट कर लिया सर। सर, मतलब अच्छा किया, ठीक किया, मतलब कोई परेशानी तो नहीं है इसमें आपको? नहीं सर, कोई परेशानी नहीं है सर। अब क्या करोगे, हो मतलब पूरा पूरा फेस, मतलब चारों फेस मिलता ना तो थोड़ा थोड़ा बहुत नंबर आ जाता और कुछ हो पाता सर। और सर अब एक बात और बता, एक ही मिनट में कहाँ सर, एक ही मिनट में कुछ पूछे भी नहीं तो कहाँ से होता। सर एक बात और बता दीजिए बस, क्या कहते हैं, जैसे आप अंदर घुसे थे तो उस समय सामान क्या क्या था, और शूज वगैरह पहन रखी थी क्या आपने? हाँ सर, नहीं नॉर्मली था, ऐसे लोअर पहना था, टी शर्ट और मैं शूज पहना था। कई लोग तो चप्पल पहन के आ गए थे और चड्डा में आ गए थे, सब लोग को जाने दे रहा था। और सर टेबल में कुछ कुछ सामान रखा था लेकिन नहीं पूछे क्या क्या सामान कोई। रखा था सर आप? थोड़ा उनके उसी सामान, ये इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे सर। ब्रश ब्रश व्रश रखा था, टॉयलेट ब्रश और बड़ा वाला फिनाइल रखा था और वही जो व्हाइट व्हाइट का गोली रहता ना हाँ वो रखा था, और दोनों दोनों प्रकार के झाड़ू रखे थे, हाँ और मिरर मिरर साफ करने का जो रहता है ना हाँ इस पे बॉटल वो था बस क्या था सर। सर? लेकिन थोड़ा थोड़ा डर डर सा लगता है सर, एकदम बड़े बड़े ऑफिसर हैं तो। हाँ ऐसा? सर, हाँ ये भी आपका कहना सही है सर। हाँ थोड़ा डर डर लगता है क्या कि पहली बार गए हैं, ऐसा कुछ हाँ थोड़ा लगता है। सर, अभी मतलब ऐसा कह सकते हैं कि मतलब ट्रेड टेस्ट ऐसे चल रहा है, कोई परेशानी नहीं हो रही है? मतलब कल जो बंदा बोल रहा था उसका थोड़ा सा झूठला सकते हो, क्योंकि सर मुझे बहुत कल से समझ नहीं आ रहा है इसके लिए मैं क्या करूं, क्योंकि मैं सभी बंदों के लिए सब कुछ करने को तैयार रहता हूं। मतलब यूनियन मैंने जो ग्रुप तैयार किए हैं जिसमें मोस्ट ऑफ बच्चे इसी प्रकार के हैं जो मतलब हाँ हाल बात मानते हैं, इसी कारण मैं उनमें जो है जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन फिर भी यदि वो पैसे का लेन देन चलेगा तो कैसे काम चलेगा सर, इसीलिए पूछ रहा था सर सर। सर लेकिन थोड़ा टाइम देना चाहिए सर, और सभी लोगों से बारी बारी से पूछना चाहिए कि इसको आता है कि नहीं, कुछ ऐसे करके एक ही मिनट में कैसे सर 20 स्टडी साइज हो जाएगा। हाँ एक ही मिनट में तो ऐसे देखते हैं फिर हो गया सर, वैसे में तो हाँ हाँ ऐसा भी हो सकता है आप बोल रहे हो। सर। अब कुछ बच्चे क्या है क्वेश्चन है बोले थे कि 3 से 4 केमिकल हैं, वो केमिकल कौन कौन से आप बता सकते हो? केमिकल वगैरह कुछ रखे थे? सर मेरे को तो बस मैं देखा वही हॉपिक 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 नहीं हॉपिक भी था और फिनाइल था और वही जो स्प्रे बॉटल था ना क्या बोलते मिरर वाला वो हाँ था, और एक अजीब से साबुन रखा था सर, लेकिन वो थोड़ा पिघल हाँ रहा है जैसे दिख रहा था, बर्फ टाइप का। हाँ ये भी आपका कहना सही है, लेकिन फिर भी अपन को क्या है थोड़ा ध्यान तो देना पड़ेगा ना, क्या क्या चल रहा है क्या नहीं हाँ सर, इस। लेकिन वो थोड़ा समझ में नहीं आया, खुला हुआ था रेपर में हाँ था, मतलब रेपर में कुछ नाम वाम तो नहीं दिख रहा था लेकिन थोड़ा पिघल रहा था वो साबुन, ऐसे था जैसे बर्फ पिघलता है ना, बर्फ थोड़ा वैसी टाइप का था लेकिन नहीं बह रहा था पानी वानी उसमें से। अच्छा, तो और आप जो है मैं एक और जो है आपका ट्रेड टेस्ट हो चुका है तो आप आज के एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ बोलना चाहोगे सर? सर भी बस यही कहूंगा कि डरे नहीं बंदे, मतलब सर लोग से देख के थोड़ा मत डरे और कुछ? और जो जो पूछे उसको सही सही जवाब दें।
हाँ ये भी आज सही है। हाँ सर वो लोग देखते भी नहीं है कि कौन कैसा झाड़ू लगा रहा है, कौन क्या कर रहा है, देखते उससे कुछ नहीं है, उसको हाँ सर्विस करना है तो उसको कर देते, बस वैसी इच्छा है। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती उनको, हाँ सर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती उससे नहीं कोई। सर देखते हैं नहीं ना, झाड़ू वाड़ू लगा रहे हैं तो कौन कैसा लगा रहे हैं वैसा है, पर देखते तो समझ आता है। हाँ ये भी आपका कहना सही है। मोस्ट ऑफ बंदों के रिप्लाई आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ सर, सब बच्चे यही कह रहे हैं हाँ सर ऐसा ही चल रहा है, ऐसा ही चल रहा है। अरे यदि लेना देना चल रहा है तो फिर यूनियन इकट्ठा करो, कर दो आंदोलन, अपन अपन हाँ पहुंच सर जाना। और स्टूडेंट लोग अगर फोन करेंगे तो बताएंगे ना सर क्या क्या हुआ उन लोग का बीच में। हाँ इसे नहीं, मुझे तो कमेंट आते हैं ना, मैं पढ़ रहा हूँ अभी, तो हाँ वो कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल सब कुछ सही बोल रहे हो तुम। सर, लेकिन एक एक मिनट में झाड़ू लगवाया पूरा 10 के 10 को बाहर कर दिया सर, फिर हो गए मतलब एक बंदा हुआ 10 में और पिछला 10 में एक बंदा हुआ, उन लोग हाँ से तो पूछे फिनाइल विनाइल के बारे में पूछे और क्या क्या उन लोग से पूछे हाफिस के बारे में, हाँ और सिंपल सामान था सर एकदम, टॉयलेट वॉलेट साफ तो नहीं करा रहे हैं, ऐसा कुछ सेफ्टी हाँ टैंक भी नहीं करा रहे हैं, सिंपल सामान था। कि मतलब मैं किस टाइप से किया था, मतलब स्पीड स्पीड क्या पूछा गया था, स्पीड किस प्रकार से की थी सर, मतलब कोई जल्दी जल्दी कर रहे थे क्या, जबरदस्ती के मतलब धीरे धीरे चलने दो, कोई दिक्कत तो नहीं है उससे। नहीं सर लेकिन सर थोड़ा गेट गेट जब प्रॉब्लम होता है ना तो घुसने में थोड़ा दिक्कत जाता है, क्योंकि बंदे लोग मेरा पहले हो करके सब लोग इकट्ठा हो जाते थे एक ही जगह गेट हाँ के सामने, तो सर लोग आए और 4-5 लोग को एक एक डंडा दे दिए सर। हाँ मतलब अब तो सर वो इतना हो जाता है, यदि आप ज़्यादा से हाँ ज़्यादा। टाइम तो है लेंगे तो इतना जल्दी काहे कर रहे हो करके बोल रहे थे, और रोड में खड़े थे, रोड ही में जहाँ मेन रोड है वहीं पास है, तो हाँ एक एक दो बंदे को डंडा से मारे भी सर। ऐसा हाँ सर और कुछ नहीं, बाकी अंदर अंदर में तो बैठने वाला जो काम है ना वो बहुत टाइम लगेगा सर, अच्छा और एग्जाम दिलाने के बाद 2-3 घंटा बाद रिजल्ट आया सर, पूरा परेशान, पूरे बंदे परेशान रिजल्ट के बाद। जैसे फर्स्ट बैच का हुआ ना सर 20 बंदे का हुआ, उसके बाद अगला बैच का फिर 20 बंदे का हुआ, तो जैसे हाँ। पांच बैच का कराते हैं मतलब 100 कैंडिडेट का उसके बाद रिजल्ट बताते हैं सर। ऐसा हाँ मतलब जो हाँ वही तो मैं पूछ रहा हूँ सर, रिजल्ट कभी कभार हाल ही में बताते हैं। मैंने आज एक वीडियो अपलोड किया, उस बंदे का ये कहना था सर, वो ग्रुप एफ से था, ई से था सॉरी, सर एक बंदे का आज मैंने वीडियो अपलोड किया 1 महीने पहले का। आज बंदे ने मेरे से कांटेक्ट किया तो उसने बोला सर आप तो बहुत जल्दी हो रहा है, और 1 से 2 दिन में क्या, एक ही दिन में सब कुछ करके छोड़ दे रहे हैं, मतलब जो कुछ भी होना है हाल के हाल छोड़ दे रहे हैं। लेकिन उस बंदे का 7 दिन तक चला, 7 दिन तक सर, सर बहुत जल्दी तो हो रहा है सर। वही तो मैं कह रहा हूँ सर, इतना कम टाइम में ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ सर करना तो होगा सर कुछ इसका। और सर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ना उसमें तो टाइम दे रहा है, एक बंदे 18 को दिलाया था वो कल आया, आज आया था सर डॉक्यूमेंट लेके, 18 को दिलाया था और आज आया था मतलब 18 को उसका डेट था, क्या सर। हाँ 18 तारीख को उसका डेट था ना। 18 तारीख को उसका टेस्ट का डेट था। हाँ हाँ ये भी आप ठीक क्या सर, ठीक सर मैं जो है ये बोलना चाहूँगा कि आपने जो है अपना कीमती समय अपने भाइयों के लिए निकाला है, उसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। है सर, अभी मैं ट्रेन में हूँ, ठीक है।